होश में लाने के लिए होश वाली चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। अगर अपने आप को होश में लाना है तो होश में आने लाने वाली चीजों का ध्यान करना पड़ेगा, करुणा का ध्यान करना पड़ेगा, संसार की सेवा का ध्यान करना पड़ेगा, आत्मीयता का ध्यान करना पड़ेगा, संतोष का ध्यान करना पड़ेगा, सादगी का ध्यान करना पड़ेगा, इन सब चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। सौरो इज द हैमर ऑफ गॉड, श्री अरविंद ने कहा है। सौरो दुख एक हथौड़ा है जो हमें सिखाता है कि जीवन कैसे करना चलना चलाना चाहिए। सौरो इज द हैमर ऑफ गॉड। अगर दुख ना आए जीवन में तो फिर क्या फायदा? जिनके जीवन में दुख आए उन्होंने दुखों को पॉजिटिव बना लिया। पीड़ा ना हो तो विवेक नहीं जागेगा, भक्ति नहीं जागेगी, इसलिए विपरीत का ध्यान जरूरी है, इसलिए विपरीत का ध्यान जरूरी है। जिनने हमें उन्मत्त बना दिया है, साधनों ने, सामग्री ने। अभी शाम को चार बजे के करीब हमारे पास यहाँ के मुख्यमंत्री आए उत्तराखंड के, अभी आज ही मिलने के लिए। उनके आने के पहले कम से कम 10-12 गाड़ियां आई, चिल्लाती हुई आई कि कोई भी रास्ते में नहीं खड़ा रहेगा, सब इधर से उधर हो जाए, जैसे कोई गुंडा आ रहा हो, जैसे कोई बहुत बड़ा बदमाश आदमी आ रहा हो, यानी क्या सोच करके ये इनका सुरक्षा का तंत्र चलता है। एम्बुलेंस चल रही थी एक आगे, एक वज्रयान चल रहा था, वो वज्र वाहन चल रहा था, कम से कम 10-12 गाड़ी पहले। उसके बाद फिर ट्रैफिक पुलिस आवाज लगाता हुआ आया, माइक्रोफोन पे चिल्लाता हुआ आया कि यहाँ कोई नहीं खड़ा रहेगा, सब अंदर हो जाएं, सब अंदर हो जाएं, सब चले जाएं इधर उधर, सब इधर उधर हो जाएं, यहाँ कोई सड़क पे कोई वाहन नहीं होगा। और उनके ऑलरेडी पुलिस के इंस्पेक्टर, करीब 15-20 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए थे। फिर उसके बाद हूटर्स वाली गाड़ी आई, हूटर्स की आवाज़ मुझे ऐसी लगती है हाय 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 हाय, वो हूटर्स वाली गाड़ी आई। मैं जब चांसलर बना तो मुझे भी ऑफर की गई थी कि आप ले लीजिए, मैंने कहा नहीं लेना है, हाय हाय में मुझे नहीं जीवन जीना, मैं शांति से रहना जीवन जीना, बिना किसी को बताए शांति से जीवन जीना। ये जो गाड़ी आई उनकी, उसके पहले 5 गाड़ियाँ आई, इसके एक में DM, एक में SP। अगर ये सादगी करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो गांधी जी के ज़माने में मंत्रियों को उन्होंने राय दी थी कि तुम सामान्य कारों में चला करो और तुम्हारे आगे कोई न चले, पर सुरक्षा, रुतबा, लोगों को दिखाना, 3 मंत्री थे, तीनों मंत्रियों की गाड़ियाँ थी, 3-4 अधिकारी थे उनकी गाड़ियाँ थी, कम से कम कुछ नहीं तो 40 गाड़ियाँ आई, और 40 गाड़ियों में एक मुख्यमंत्री निकला। अगर 40 मुख्यमंत्री निकलते तो एक बात भी थी, एक मुख्यमंत्री उसमें से निकला, एक अदद निकला, आया हमारे यहाँ खाना खाया, करीब 80-90 लोगों ने हमारे यहाँ खाना खाया। शांति कुंज में सबको मालूम है कि भूखा कोई नहीं रहता है, जी जी का भोजनालय है अन्नपूर्णा का, सबने भोजन किया और सब चले गए, हमारी बातचीत हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु ये जो आने का तरीका है ये गलत है, हमें हमेशा यही याद आता है, इन्होंने हमको उन्मत्त बना दिया है। आज कोई आदमी अगर मंत्री बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है? इसलिए कोई उन्मत्त बनना चाहता है तो क्यों कोई बड़े बड़े पद पाना चाहता है? क्यों? उन्मत्त बनने के लिए। अगर ये उन्मत्त बनने की हमारी चाह कम हो जाए तो, अगर हम सादगी का जीवन जीने लगे तो, बिना बताए कहीं चले जाए तो, मैं तो बिना बताए जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मतलब मेरे साथ 1 या 2 आदमी होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, और कहीं मैं कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जाने की खबर किसी को पता ना चले, मैं चला जाऊँ और मैं जाके बैठ जाऊँ सामान्य रूप में, पर न जाने कैसे खबर मिल जाती है और लोग वहाँ फिर हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। सामान्य क्रम में जीवन जीना एक बहुत मुश्किल असंभव काम है, हमारा ईगो हर्ट होता है। सामान्य जीवन जीना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, असामान्य जीवन जीना आसान है, सरल है और हमें अच्छा लगता है। असामान्यता से सामान्यता का ध्यान, उल्टे का ध्यान, सामान्यता का, सादगी का, एक आदर्श ब्राह्मण का, एक ऐसे व्यक्ति का जो कि इस भारत का नागरिक है, उसका ध्यान करें। भारत का नागरिक दरिद्र नारायण है, उसका ध्यान करें। आपको लंगोटी वाले आदमी का ध्यान नहीं आता, आपको सेठ जी का ध्यान आता है हमेशा, आपको बिड़ला अंबानी का ध्यान आता है, आपको क्यों नहीं ध्यान आता? आपको गरीब का ध्यान आना चाहिए। प्रेम सात्विक हो तो उन्माद नहीं देगा, अगर भगवान के प्रति प्रेम सात्विक होगा तो उन्माद नहीं देगा। उन्माद जब पैदा होता है तो हमें उन्मत्त बना देता है, और वो उन्माद हमारे लिए नुकसानदायक होता है। भक्ति, करुणा, साधना और सेवा में उन्माद नहीं होता, भक्ति, करुणा, सेवा और उन्माद नहीं होता हमें। इन पर ध्यान करें, अपने में, अपने आसपास, सृष्टि के कण कण में ये सब गुण फैले पड़े हैं, इन पर ध्यान करें, और ऐसा होने पर विवेक जागेगा, यही परिस्थितियां बदलेंगी, इनसे परिस्थितियां बदलेंगी। बार बार ये सोचें, ऐसा होने पर परिस्थितियां बदलेंगी, विवेक जागेगा। भर्तृहरि ने विवाह किया, अग्निपट्टन विदिशा की उनकी राजधानी थी, पिंगला से विवाह किया। नीति शतक लिखते थे, लिखते लिखते वैराग्य शतक
पे आने के पहले श्रृंगार शतक लिखने लगे। विक्रम उनका भाई था, विक्रमादित्य, और वह राज्यकारी चला लेता था। पिता शकों द्वारा मारे गए थे, बहुत दिन तक ये लोग जंगल में रहे। उसके बाद जब प्रतिकूलताओं में जी के निकले तो दबी वासनाएं निकली। दबी वासनाओं में क्या सुख सुविधा की मांग। विक्रम तपस्वी था, विक्रम योगी था, और योगी होने के कारण विक्रम ने संभाल लिया राज्य। पर भर्तृहरि का निकल आया श्रृंगार, और वैसे भर्तृहरि को दिव्य आत्मा कहा जाता है, उन्हें पुराणों में नाथ समुदाय में अमर माना जाता है, अमर साधक, दत्तात्रेय गोरखनाथ के समकक्ष माना जाता है। वे स्त्रियों का श्रृंगार पूर्वक वर्णन करने लगे। गुरु कभी नहीं भूलता शिष्य को। भर्तृहरि जंगल में गए, एक हिरण मार दिया। गोरखनाथ ने कहा इस हिरण को जिंदा करके दिखाओ। तो बोले महाराज हमारा शिकार हमारा शौक है, शिकार राजा का अधिकार है। तो बोले नरभक्षी बाघ मारते तो एक बात भी थी, तुमने तो मार दिया, तो एक मासूम को मार दिया जो तुम्हारा प्रतिकार ही नहीं कर सकता। जिंदा करो इसको, जिंदा करो, चलो। मैं नहीं जिंदा कर सकता, इसको मार दिया मैंने। तो बोले लो मैं जिंदा करता हूं, कमंडल का पानी डाला और जिंदा हो गया। भगवान ये क्या है, पहला आकर्षण, पिंगला का आकर्षण जो है इसको समाप्त करने वाला पहला आकर्षण पैदा हुआ, गोरखनाथ का आकर्षण, गुरु का आकर्षण, अपोजिट का आकर्षण पहली बार पैदा हुआ। प्रतिकूल जो उससे विपरीतताओं का ध्यान पहली बार हुआ उनका। फिर पिंगला ने धोखा किया उनके साथ, और पिंगला का धोखा जो था उसने उससे उनकी आंखें खुली, वासना से निकले, कर्म संस्कारों से उभरे, और उसके बाद फिर पवित्र बन गए। फिर उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। ये कहानी क्या बताती है, प्रतिकूलताएं विपरीतताएं हमें अक्सर ध्यान में नहीं आती, परिस्थितियां कुछ ऐसी करती हैं, बातें बनाती हैं कि हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। जो पवित्र है, प्रेमपूर्ण है, उस पर लगातार ध्यान, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंटिन्यूटी मतलब रोज करो, बिना धैर्य खोए। रेगुलरिटी मतलब नियमितता के साथ, जो समय तय किया उस समय में करो। जीवन पर ध्यान सभी करते हैं, जीवन इतना अच्छा हो जाए, जीवन सुखी हो जाए। मृत्यु का ध्यान नहीं करते, मृत्यु का ध्यान वैराग्य देता है। वैराग्य अनासक्ति देता है, आसक्तियों से मुक्त करता है। सुखों पर ध्यान सभी करते हैं, हमें सुख मिल जाए, भगवान मनोकामना पूरी हो जाए। दुखों पर ध्यान कोई नहीं करता है, दुखों का ध्यान ईश्वर के नजदीक ले जाता है, सुखों का ध्यान हमें कहां ले जाता है, क्या अच्छा लगता था बताओ, जहर पी लिया तो भी अच्छा, ऊपर पहाड़ से ध्यान, कर्म भी वैसे ही होना चाहिए। कल्पना ही करनी है तो ईश्वरी गुणों की कल्पना करो ना, ईश्वर गुणों का समुच्चय है, ईश्वरी गुणों की करो, और विपरीत पर विचार करने की कला को विकसित करो। मैं ध्यान कर रहा हूं उसके पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, बस मेरा आज का ध्यान का उद्बोधन समाप्त। ध्यान कराने के पहले एक छोटा सा उद्बोधन, छोटी सी बात। नादयोग का ध्यान चलता है यहाँ पे। नादयोग के ध्यान के दौरान आप सब लोग यदि संकल्पित हो तो हम नादयोग के दौरान चलना फिरना बंद करके जहाँ भी हो वहाँ बैठ करके 15 मिनट एंजॉय करें नादयोग को, ठीक है। भोजन कर रहे हो तो भोजन को भी एंजॉय करो, पर शांत रहकर। उस समय ध्यान का एक क्रम बना लो। नादयोग एक गुरुदेव की ऐसी विभूति है कि नादयोग में तुम मन एकाग्र करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा तल्लीन बना रहेगा, है ना। मैं तो ध्यान बता रहा हूँ, आज दूसरा बता रहा हूँ, पर नादयोग की चर्चा आ गई तो मैं कर रहा हूँ। अगर नादयोग का म्यूजिक चलता रहे, तुम भोजन करो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हल्का म्यूजिक चलता रहे, तुम्हें उस समय गप मारने की इच्छा नहीं होगी। गप मारोगे तो ज़्यादा खा जाओगे या फिर कम खाओगे, और गप नहीं मारोगे नादयोग का ध्यान सुनोगे तो उतना ही खाओगे जितना तुम्हें ज़रूरी है। योगी की तरह से ध्यान को, भोजन को अमृत बना लो, और जितनी देर तुम रहोगे उतनी देर ध्यान का म्यूजिक बजता रहेगा, धीरे धीरे। मैं बिल्कुल वैसी व्यवस्था कर दूंगा कि क्रिसेंडो ना आए, बिल्कुल वैसे ही चलता रहे, हल्का हल्का हल्का।
म्यूजिक के साथ ध्यान भोजन करोगे तो भोजन तुम्हारे शरीर को लगेगा, और जो ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, और जो ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, मतलब मोटे दुबले हो जाएंगे, दुबले मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो नादियोग का ध्यान तुम लोग करना चाहो तो बहुत बढ़िया है, मैं क्लास में इसमें चालू करा देता हूँ। और नादियोग में जहाँ कहीं भी हो वहीं बैठ जाओ या रुक जाओ, कोशिश करो कि 6 से 6:15 के बीच में तुम ना निकलो। मैं परसों अपने पिताजी को लेके आया था ऑपरेशन करा के देहरादून से, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनको तुरंत लेटाने की जरूरत थी, पर लेटा दिया गाड़ी में, नादियोग चल रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोग जो जल्दी करते करते भी हम 6:10 पर पहुंचे, वो ब्रिज बंद, वो क्रॉसिंग बंद हो गया देहरादून वाला। तो हम नादियोग में पहुंचे तो नादियोग बाहर खड़े रहे, हम अंदर नहीं गए। आज तक मैंने नादियोग में दरवाजा नहीं खुलवाया। हम भी यहाँ पर ध्यान का सम्मान करें, जो बच्चे नए हैं वो भी, जो बच्चे बड़े हैं वो भी ध्यान रखें कि अगर कोई घूम फिर रहा है तो उसको रोकें, भाई साहब नादियोग चल रहा है ना, आप बैठ जाइए कहीं, इतना बड़ा बगीचा है, इतनी बेंचेस लगी हुई हैं, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी ध्यान करो। कोई जरूरी नहीं कि हम महाकाल के बगीचे, महाकाल के मंदिर में बैठ के ध्यान करें, जहाँ बैठे हो अपने कमरे में बैठे हो वहाँ ध्यान कर लो, और उसके बाद तुम यहाँ आके जगह ले लो, यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बहुत अच्छा है, मेरी क्लास हो तो। ध्यान के लिए लाइट बंद करेंगे, आज ध्यान करेंगे। सावधान, शांत चित, दोनों हाथ गोदी में, आंखें आधी बंद आधी खुली, दोनों हाथ गोदी में, क्लोज योर आईज, सिट इरेक्ट, ट्राई टू मेडिटेट विद हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन आईज, बी अलर्ट, सावधान, शांत चित, ट्राई टू क्वाइटन योर माइंड, शांत मन, शांत, कोशिश करो शांत को, मन को शांत करने, शांति कुंज, गायत्री कुंज, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज, शांत मन, शांत अंतःकरण, शांत, शांत। शांत मन, भाव समाधि। चारों तरफ से अपने मन को खींच के यहीं ले आओ पूरा। न हॉस्टल में जाने दो, न भोजन में जाने दो, न घर जाने दो, न माता पिता और दोस्तों के बीच में जाने दो, मन को यहाँ ले आओ खींच के, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, शांत। प्रातःकाल, ब्राह्म मुहूर्त, स्वर्णिम सूर्योदय, ऐसे प्रांगण में जहाँ नित्य अखंड दीप चलता है, सावधान, शांत चित्त, शांत मन से उगते हुए सूर्य का ध्यान, स्वर्णिम सूर्य, हिमालय के शिखरों पर स्वर्णिम किरणें, जो ऊंचा है आदर्शों की दृष्टि से ऊंचा है, उसके भी शिखर पर हमेशा हिमालय में, हिमालय का प्रतीक मानते हुए उसके भी ऊपर स्वर्णिम किरणें पड़ेंगी। स्वर्णिम यानी कीमती, स्वर्णिम यानी पर्सनालिटी को ऊंचा उठाने वाले, व्यक्तित्व को आदर्श उदात्त बनाने वाली किरणें सूर्य की, रोम रोम में कण कण में सूर्य, रोम रोम में कण कण में सूर्य। गुरुदेव माता जी की उपस्थिति महसूस करें, प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा, अखंड दीपक उपस्थिति महसूस करें, अपना मन यहीं रखें, कहीं बाहर न जाने दें, बार 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 वहीं ले जाएं, शांत, शांत मन।
वर्षा, अमृत वर्षा अच्छे विचारों की, विपरीतताओं के भी विपरीत चलने वाले भावों की, करुणा की, आदर्शों की वर्षा। यदि आप बहुत असंतुष्ट महसूस करते हैं तो उसके विपरीत का विचार करें कि संतोष, संतुलन लाएं। हम संतुष्ट हैं, हम अपने मन को कभी बेचैन नहीं होने देंगे, उद्विग्न नहीं होने देंगे। संतोष, तुष्टि, तृप्ति, इससे बैर जाएगा, द्वेष जाएगा, आसक्ति जाएगी, बहुत सारी बुराइयां चली जाएंगी। संतोष, साधु का सबसे बड़ा धन संतोष। आपकी भावदशा बदलने लगेगी, क्योंकि जो विपरीत ऊर्जा है वो भाव पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। जो विपरीत भावदशा है वो पहली भावदशा को पी जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। तो असंतोष है मन में, उद्विग्नता है, तो संतोष का ध्यान। मन में किसी के प्रति बैर है, शत्रुता का भाव है, तो करुणा का ध्यान, बुद्ध का ध्यान कीजिए, बुद्ध पुरुष का ध्यान कीजिए। अगर ऐसा संभव हो कि बुद्ध की एक मूर्ति या बुद्ध का चित्र, जैसे गुरुदेव के कमरे में है, एक चित्र अपने कमरे में लगा लें, बुद्ध का ध्यान कीजिए, बुद्ध पुरुष, शांत मन, बुद्ध की करुणा की मुद्रा है। जब भी क्रोध उठे, जब भी हिंसा का भाव आए, तब बुद्ध की, बुद्ध के चित्र या मूर्ति के सामने खड़े होकर के ध्यान कर लें 2 मिनट, तुरंत वो भाव चला जाएगा। बुद्ध को देखें, बुद्ध की तरह बैठ जाएं, करुणा का भाव करें, अचानक आपके भीतर एक रूपांतरण होने लगेगा। प्रेम का भाव, प्रीति का भाव, मैत्री का भाव, भगवान जितने सद्गुणों से बना है उन सब सद्गुणों का एक एक करके भाव, जितनी भी हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं उनके विपरीतताओं का भाव, बार 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 उन भावों को लाते चलें और उन भावों के माध्यम से मिटाते चलें, इरेज करिए। आज हमने बैर को इरेज कर दिया पेंसिल से, बैर लिखा था, द्वेष लिखा था, उसके प्रति, क के प्रति, ख के प्रति, मिटा दिया। आज थोड़ा और बचा रहेगा तो कल फिर मिटा देंगे। 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट भी अगर ध्यान करेंगे तो बहुत मन को शांति मिलेगी। विपरीतताओं के ऊपर ध्यान, प्रतिकूलताओं को छोड़कर अनुकूलताओं के साथ साथ लाने का ध्यान रोज अपने जीवन में ध्यान को स्थान दीजिए। Thank you.
अज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर। हमारी यात्रा ऐसी हो कि हम मनुष्य के अनुरूप कहला सके, हम मनुष्य जीवन की गरिमा के अनुरूप जीवन जीने लायक कैसा कहला सके, हम अपने जीवन को महान बना सकें। इसके लिए महानता का ध्यान बार 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 इस तरह का ध्यान करेंगे, बहुत उपयोगी ध्यान है। मेरे साथ साथ बोलेंगे, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनुजनाः। असुरों के जो प्रसिद्ध लोक हैं, नाना प्रकार के योनियां हैं, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूपी महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्महंता मनुष्य हो, वे मरकर उन्हीं लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। दूसरा श्लोक बोलेंगे, अनेज देकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्भावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। वे परमेश्वर अचल एक और मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं, सबके आदि स्वरूप हैं। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी जान नहीं सके। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को, जगत में रहने वालों को स्थित रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता से वायु आदि देवता विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादन करने में समर्थ होते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। लाइट्स ऑन कर लें, दोनों हाथ रगड़ें, मस्तक पर, चेहरे पर, हर एक पे ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा। भावना ये कि ये जो ईशावास्योपनिषद का तीसरा और चौथा श्लोक है, पहला वाला है जो ईशादि नौ उपनिषद है, सब पहला वाला ईशावास्योपनिषद है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आज तुमको तीन श्लोक बताए। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति रेहि। ओम शांति 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 सर्वार्थ शांति भवतु। अगली क्लास 1 सितंबर को होगी, थर्सडे के दिन। मैं कल जा रहा हूँ बेंगलोर दो दिन के लिए, इसलिए ये क्लास एक दिन पहले ली मैंने। अगली क्लास फिर हम लोग जैसे रूटीन में गुरुवार को लेंगे।